इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दिल्ली में रहने वाले एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी। बताया जा रहा है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती बैंगलोर में जॉब करती थी। उसी दौरान दिल्ली में रहने वाले मयंक नाम युवक से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। युवक मयंक और युवती में इस दौरान कई दिनों तक बातचीत चलती रही। इसी दौरान युवक मयंक ने युवती को दिल्ली बुला लिया। वहां पर युवक ने युवती से शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती से गाजियाबाद में रहने के लिए एक घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी ले लिए, लेकिन जब भी युवती युवक को शादी के लिए कहती वह टाल देता। इसी दौरान दोनों एक बार फॉरेन भी घूमकर आ गए और वहां से लौटकर शादी की बात पर युवक ने फोन उठाना बंद कर दिया। साथ ही जिस एड्रेस पर रहता था वहां से भी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस युवती की शिकायत पर दिल्ली के रहने वाले मयंक पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मामला दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस तरह का ये पूरा मामला है? यहाँ सुदामानगरी सेक्टर में फरियादी रहती है। इसका बेंगलोर में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है। इसकी एक मयंक नाम का लड़का है दिल्ली का, उससे किसी माध्यम से दोस्ती हुई और दोस्ती इनकी प्यार मोहब्बत में बदली और इनकी शादी की बात हुई। उसके बाद इनका फिजिकल रिलेशनशिप भी बना और मकान बनाने के नाम पे उसने लड़के ने मयंक ने लड़की से करीब 5-6 लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद अब ये उसने इससे उससे संपर्क ख़त्म कर दिया, ना कोई कांटेक्ट किया हुआ है। इस तरह से उसका शोषण किया गया महिला का, तो उसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना दिया गया। सर, ये लड़का कहाँ का रहने वाला था? ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलोर या दिल्ली में कहीं पहली मुलाकात हुई थी। फिर लड़का ये मयंक दिल्ली का रहने वाला है और लड़की ये अपने इंदौर की है, बेंगलोर में काम करती थी। तो इसकी मुलाकात दिल्ली में और बेंगलोर में हुई है। ये लोग फॉरेन घूमने भी गए हैं साथ में और जो है फिजिकल रिलेशनशिप बने इनके, शादी का जो है झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। कितने सालों से इनकी मुलाकात का दौर जारी रहा? करीब इसकी मुलाकात 2017 से है जो है इनके संबंध बने हैं और अभी जो है इसमें अब उसने संपर्क।